काजमी साहब जब फवाद चौधरी ये बोलते हैं कि अगर इस्टेबलिशमेंट के साथ तल्लत ठीक होते हैं, तो फिर हम हुकूमत में होते हैं। फिर इमरान खान साहब अभी ये मैं एक उनका स्टेटमेंट सुना देता हूँ ये सेमिनार में उन्होंने जन फैस के हवाले से कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था नवंबर की तकर्री के हवाले से ये जो बात है ना वो आप जो साजिश की बात कर रहे हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट एक हमें ग्राउंड लगती है बुनियाद रखती है जिसके ऊपर वो एक पैरल बयानिया बिल्ड कर रहे हैं वो पावर गेम की बात कर रहे हैं वो पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुमान ये हो गया था दूसरी तरफ कि मैं जन फैस को चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाना चाहता हूँ इस वजह से वो लोग खौफ में चले गए लेकिन मुझे तो अपना आर्मी चीफ लाने की ज़रूरत नहीं थी और फवाद चौई साहब भी यही कहते हैं कि इस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक ठीक होते तो हम हुकूमत में होते यानी कि वो वो हुकूमत में होने से हुकूमत में होने के हवाले से इस्टब्लिशमेंट जो है उसको वो सबसे अहम पिलर और दूसरी तरफ फिर साजिश पे चले जाते हैं बारे अली खान साहब ने क्या कहा जरा सुन लें खुरम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना आर्मी चीफ लेके आएगा इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी अल्लाह के सामने मैं हाजिर होके ये बात करता हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना ये जो इनकी अपने जेन में खौफ आ गया था जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूं बिलियंस ऑफ बाहर पड़े तो इनको खौफ है ना ये जो कह रहे हैं इमरान है खान साहब जनरल फैज के हवाले से फिर फवाद चौधरी ने कल सेमिनार में एक शेर भी पढ़ा और उन्होंने कहा दिल तो बड़ा करता है कि सच बोलू लेकिन हौसला नहीं होता तो ये बिल्कुल एक पैरेलल नरेटिव है आपको नहीं लगता और अगर फिर अगर यही बात है तो फिर खुल के कर दें खुल के बात करें देखिए इसमें बड़ी ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आपने सुनाया इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खुरम दस्तगीर का बयान है जिसने खुद कंफर्म किया कि हमें कंफर्म इतलात मिली कि नया आर्मी चीफ आएगा और उस आर्मी चीफ के आने के बाद हम सबको नाहिल करार दे दिया जाएगा तो बुनियादी तौर पर वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त जो आपकी मौजूदा सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर से कोई ऐसी शख्सियत आएगी जो इमरान खान साहब के साथ मिलकर हम सबको नाहल कर, नाहल करार दे देगी तो इस्टेब्लिशमेंट का लिंक तो उन्होंने जोड़ा इमरान खान साहब तो वैसे ही कह रहे हैं कि बैरूनी एक साजिश है बाकी स्टैब्लिशमेंट का जो किरदार है वो उसके ऊपर जर्नल बात होती है कि स्टैब्लिशमेंट का एक इंपॉर्टेंट किरदार है वो रहा है लेकिन मुझे तौर रती बराबर शक नहीं है कि कोई अगर बैरूनी साजिश होगी और मेरी स्टैब्लिशमेंट को पता चलेगी तो वो यकीनी तौर पर नाकाम बनाएंगे और चाहे वो हमारी फौज हो जाए या दीगर इदारे हो जाए लेकिन पता कब चलेगा जब तहकीकत होंगी तो पता चलेगा ना समाइम हो जाती है साजिश नहीं पता चलता मैंने आपको अमेरिका की मिसाल दी तो जरूरी है कि तहकीकात हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए इसमें इतनी इसके नहीं, लेकिन इसका मतलब है आप, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पता लग गया इमरान खान को पता लग गया फवाद चौधरी को पता लग गया शेख रशीद को पता लग गया तक आपको भी पता लग गया लेकिन आय को नहीं पता लगा कि बैरूनी साजिश हुई है नहीं आई, आई को मैंने ये तो नहीं कह रहा कि उनको नहीं पता लगा लेकिन उनकी जो तहकीकत है वो सामने क्यों नहीं रखते देखें यहाँ पे बैरिस्टर साहब ये यह बात यहाँ से शुरू हुई थी ये बयानिया शुरू कहाँ से हुआ था कि अमेरिका का तो कोई खत आया ही नहीं इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है अगर खत आया तो उसको पब्लिक अब जो है हम हुकूमत हम में आएंगे तो हम पब्लिक करेंगे ना उन्होंने हुकूमत में आके पब्लिक किया ना हुत से पहले किसी ने पब्लिक होने दिया अगर आप खत भी पब्लिक नहीं करते तो आप तहकीकात तो पब्लिक कर देना आपने जो रिपोर्ट की जितने अफसरान ने उसके ऊपर तहकीकात की कौन कौन सा अफसर उसमें शामिल था किस किस तक आपको रसाई हासिल थी क्या आपने इंटरव्यूज किए वो सब कुछ आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दें अदालत में पेश कर दें किसी फोरम पे तो उसको सामने रखे ना कि क्या तहकीकत की ये तो नहीं हो सकता ना कि बैरिस्टर साहब या अथर काजमी बैठ के कह दे कि मैंने कह दिया जी साजिश नहीं हुई इसी तरह कोई भी इदारा उसका लफ्ज़ जो है वो हर पे आखिर नहीं है तहकीकत होंगी तो लोगों के सामने रखी जाएंगी तो लोग मानेंगे ये नहीं हो सकता कि आप कह दें कि हमने कह दिया हो गया बैरूनी साजिश के हवाले से चलें आप कहते हैं कि डी आई एस आई का कहना काफ़ी नहीं है इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए इसके ऊपर कोई रिपोर्ट होनी चाहिए उसके बाद फिर आप मानेंगे जुडिशल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर जुडिशल इंक्वायरी होती है इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तई तो कोई इंक्वायरी नहीं करनी सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उन्होंने भी आयसाइसे ही पूछना है ना जी और आयसा ने वहाँ पे जाके बताना है कि जी ये सर ये मामलाते हैं और उसकी रोशनी में उन्होंने वो मुरतब कर देनी है अपना फैसला जो भी वो हवाले से देंगे लेकिन जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आज तक पाकिस्तान में पब्लिक नहीं हुई है लेकिन ये जो दूसरी साइड है जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ इस्टबलिशमेंट की क्या ये बात दुरुस्त नहीं है लेट्स बी वेरी ऑनस्ट अतर साहब कि इस्टैब्लिशमेंट क्या पॉलिटिक्स में मुदाखलत उतनी देर तो बहुत बुरी लगती है जब आप अपोजिशन में होते हैं और इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले भी शामिल हैं आजकल बहुत बुरी लग रही है लेकिन द मोमेंट आपके स्टेबलिशमेंट के साथ ताल्लुका ठीक होते हैं आपका एक पेज कायम होता है तो फिर वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं जैसे ही आप हुकूमत में जाके बैठ जाते हैं और साढ़े तीन साल पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले अपने आइडियल की मिसालें देते रहे हैं एक पेज की और अब वो कह रहे हैं रूल ऑफ द गेम्स तय होने चाहिए एक दफा माइंड बना लेना की मुदाखलत होनी चाहिए सियासत में या नहीं होनी चाहिए अगर होनी चाहिए तो फिर ठीक है अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए चाहे आपको गवर्नमेंट ही वो क्यों ना ऑफर कर रहे हैं ये तो फिर वाकई सियासतदानों का कसूर है ना नहीं मैं आपसे हंड्रेड परसेंट एग्री करता हूं और उसमें भी देखें जो तहकीकत का मामला भी है उसमें ऑन डीजीपी उन्होंने कहा है कि तहकीकत हो हम हर तरह का ताउन करेंगे सियासतदानों का कसूर है वो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और ये जब इस्टबलिशमेंट के साथ इनके हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं इस्टबलिशमेंट बड़ी अच्छी है जब हुकूमत से निकलते हैं उस पर इल्जाम भी लगाते हैं लेकिन एक छोटा सा फर्क है इमरान खान की हुकूमत में जो एक पेज था ना उस एक पेज की लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ थी इमरान खान की हुकूमत में ना कोई डॉन लीक्स हुआ इमरान खान की हुकूमत में ना कोई मेमो गेट का स्कैंडल आया इमरान खान की हुकूमत में जो बाहर के मुल्कों से सफीर आते थे उनको ये नहीं कहा जाता था कि जी फौज का बड़ा प्रेशर है आप फौज से बात कर लें या फौज का ऑनस नहीं लिया जाता